हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो आपके काम को आसान करेगा और आप बाज़ार के चक्कर नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे मैं दवाइयों को जब यूज़ कर लेते हैं तो जो इसके पत्ते फेंक देते हैं, इसका यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, तो वीडियो फुल वॉच करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जब भी हम दवाइयों को यूज़ करते हैं तो इसके पत्ते हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं, लेकिन फेंकने से पहले हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे, तो हमें क्या करना है कि हमारे घर में जितनी भी कैंची हैं उससे इसको काट लेना है, जिससे क्या होगा कि हमारे कैंची की धार बहुत ही तेज़ हो जाएगी, जो हमें बाहर फिर नहीं जाना पड़ेगा इसको धार तेज़ करवाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा ज़रूर करिएगा। और देखिए, ऐसे ही करके मैं दवाइयों के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे और ये छोटे टुकड़े आपके यूज़ आने वाले हैं आगे की वीडियो में, वो मैं बताऊंगी कैसे, क्योंकि इसको भी नहीं फेंकना है आपको। तो पहले हम छोटे टुकड़े करेंगे फिर हम इसका यूज़ करेंगे। तो इस दवाई के पत्ते से हम 3 से 4 काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आसानी से पत्ते कट जा रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उसी साथ ही साथ हमारी कैंची भी तेज़ होती जाएगी। तो यहाँ देखिए, मैंने इतने पत्ते काट लिए हैं, तो अब जो बचे हैं उसका हम कुछ और भी यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरे बचे हुए हैं जो काट लिए हैं मैंने, उसको हम डालेंगे जार में। तो जो ये मिक्सी का जार है ना, उसका भी ब्लेड कभी कभी होता है कि पिसता नहीं है अच्छे से, इसमें भी धार देनी होती है, नहीं तो नया ख़रीदना होता है। तो हमें उसमें क्या करना है कि इसको डाल देना है। तो हम जितना भी काटे थे हम सारा डाल देंगे इसी में। तो देखिए, यहाँ मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो यहाँ मैंने नमक ले लिया है, ये पिसा हुआ है, अगर आपके पास मोटा वाला नमक हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इतना डालने के बाद हमें क्या करना है कि इसको मिक्सी में चला लेना है, कम से कम 5 से 6 बार चलाना है। इतना करने के बाद आपका ये धार बहुत तेज़ हो जाएगा ब्लेड का। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, आप भी थोड़ा पानी डाल दीजिएगा तो अच्छे से चलेगा। तो अभी लाइट नहीं है इसलिए मैं इसको चला के नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आप चलाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसका धार कितना तेज़ हो गया है। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो। तो अभी जो मेरी और बची थी दवाइयाँ, इससे हम अपने तवे कढ़ाई को साफ़ कर सकते हैं तो बहुत ही चमकने लगेंगे। तो एक बार इससे तवा साफ के ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।